नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और मेरे हाथ में देख सकते हैं आज ये लौकी है। ये गोल लौकी आज मैंने पहली बार देखी है। भूख लगी है तो इस लौकी को आज मैं पकाऊंगा फिर खाऊंगा। तो इसको बनाने की जो विधि होगी जिस प्रकार है कि पहला आप इसके छिलके को छीन लीजिए और फिर इस लौकी के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कीजिए। प्याज लहसुन आवश्यकता अनुसार और उसके बाद में आपको कढ़ाई के अंदर तेल डालना है। तेल डाल के इसमें प्याज लहसुन डालना है गर्म होने के बाद, तेल गर्म होने के बाद। और उसके बाद इस लौकी को उसमें डाल दीजिए जो टुकड़े टुकड़े आपने काटे हैं। और फिर आप हल्दी, नमक, मिर्च और पिसा हुआ जो धनिया होता है उसको काट अंदर मिला दीजिए। फिर धीरे धीरे धीमे आँच पर उसको हिलाते रहिए और कुछ 10 या 15 मिनट के हिलाने के बाद में थोड़ा सा जितना भी आपको आवश्यकता अनुसार पानी चाहिए आप पानी डाल दें और 10 से 15 मिनट में आपकी लौकी की सब्जी तैयार हो जाएगी। मैं बना रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया उसी के अनुसार। इस गोल लौकी के अंदर दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है। पता नहीं पानी निकलने लगा है, छिपछिपा सा। गोल लौकी का जो अनुभव है आज हम लेंगे, इसको पकाएंगे और खाएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लग रही है जानकारी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सुरेश मस्ताना, थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरी वीडियो पर आपको एक से एक रोचक जानकारी मिलेगी, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।